जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं चंद्रा ट्रिकी जीएस और मैं उपस्थित हूं लेकर के आज के हिंदुस्तान अखबार की कटिंग। इसमें एक खबर आप देख रहे हैं कि सिपाही दारोगा बहाली पर चर्चा के लिए बैठक कल। आज 15 जून है और कल 16 जून को गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास ये बैठक है। क्यों ये बैठक बुलाई गई है, किसके द्वारा ये बैठक बुलाई गई है, इस खबर को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सिपाही बहाली में महिलाओं के न्यूनतम लंबाई कम नहीं करने के विरोध में, ठीक है, मांग यह है कि महिला सिपाहियों की जो भर्ती होगी उसमें भी सिपाही भर्ती में महिलाओं की हाइट कम की जाए, लेकिन अभी तक कम नहीं किया गया है, तो उसके विरोध में कल मीटिंग की जाएगी और उसके बाद जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आंदोलन वगैरह की ओर भी छात्र बढ़ेंगे। तो न्यूनतम लंबाई कम नहीं करने के विरोध में 16 जून को गांधी मैदान में अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई गई है। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए। अगर आपको संपूर्ण सिलेबस का एक ही बुक से अध्ययन करना हो तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट और सटीक बुक है। इसमें देख सकते हैं कि बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है डिटेल्ड में। इसमें थ्योरी है, 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स हैं, 100% सिलेबस पर आधारित है और पिछले 5 वर्षों के पूछे हुए प्रश्न पत्रों को भी इसमें समाहित किया गया है। इसके थ्योरी को आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल्ड में है और पॉइंट वाइज इसके अलावा सटीक थ्योरीज हैं। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही थ्योरीज को यहाँ शामिल किया गया है, तो आप इस बुक से निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को बेहतर और प्रभावी कर सकते हैं। इस गाइड के अलावा आप इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर से ज़रूर बनाएं, ताकि आपने अभी तक क्या अध्ययन किया है, नहीं किया है, आपकी किस लेवल तक तैयारी हो गई है, उस प्रैक्टिस सेट को लगा करके आप जरूर आकलन कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को इस स्टडी मटेरियल के साथ संपूर्ण गाइड के साथ जरूर पढ़ें। सिपाही दरोगा बहाली में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने, महिलाओं की न्यूनतम लंबाई को कम करने, 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को देने, दरोगा के लिए 2500 से, आप जानते हैं कि इस वक्त बोला गया है कि 1288 SI का ही रोस्टर क्लियरेंस अभी हुआ है, तो लगभग इसी पद इतने ही पदों पर वैकेंसी आएगी, जबकि वैकेंसी ढेर सारी है, तो क्यों ना 2500 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। और सिपाही दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाने के मुद्दे पर बैठक में चर्चा होगी। आप सभी जानते हैं कि बिहार में सिपाही का हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही आराम से लीक हो जाता है। कभी OMR पेपर लेकर के लोग घर पर जा कर के रंगते हुए भी नज़र आ जाते हैं और दारोगा बहाली में ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है, तो छात्रों के मन में पशुपेश की स्थिति होती है। कहीं ना कहीं ये डाउट की स्थिति जरूर रहती है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया नहीं दिया गया। तो पारदर्शिता लाने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होगी और ये बैठक गांधी मैदान पटना में गांधी मूर्ति के पास, गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति है उसी मूर्ति के पास छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में होगी। तो कल 16 जून को आप सभी जो भी छात्र बिहार में परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर के सक्रिय हैं उन्हें ज़रूर यहाँ इस बैठक में आना चाहिए और अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। खास करके महिला अभ्यर्थियों को जरूर आना चाहिए क्योंकि उनकी लंबाई कम करने के लिए एक बड़ा मुहिम ये यहाँ से छेड़ा जा सकता है। इसके अलावा हर प्रकार के लोगों को, चाहे छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उम्र सीमा में छूट हो, महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को हो, महिलाओं की हाइट कम करने की बात हो, या दरोगा और सिपाही बहाली में पारदर्शिता लाने के मुद्दे पर बैठक है, तो इसमें आप सभी जरूर भाग लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।